गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, चैप्टर नंबर थर्ड जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड है ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन का फॉर्म, इसमें मैं एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना आपको बता रही थी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बताए थे। अब उसी से रिलेटेड आगे के क्वेश्चन में आपको बताती हूँ, क्योंकि आपके इसमें क्या है, मेथडों के नाम तो लिखे हुए हैं, कौन कौन से, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बट आपके पास इसमें ओनली फॉर एलिमिनेशन मेथड के ही क्वेश्चन दे रखे हुए, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन नहीं दे रखे हुए, ये चीज ध्यान रखना। इसमें केस स्टडी भी है, तो केस स्टडी वाला पोर्शन भी मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगी, कुछ क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करके भेज दूंगी और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ही डायरेक्ट भेज दूंगी जो कि आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, हाँ, पर उसके आंसर भी आपको मैं दे दूंगी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का फॉर्म इस कैटेगरी में या इस कंडीशन में क्या क्या दे रखा हुआ। सबसे पहला फॉर्म इसमें आपके पास दे रखी है इक्वेशन, जैसे एक हाथ क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं इक्वेशन का, ये दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5, एक्स माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू माइनस 4 और 3x माइनस y माइनस 2z इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, ये सारा फॉर्म आपके पास दे रखा हुआ है। अब आपको इसमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने की प्रोसेस तो वही है कि मल्टीप्लाई करो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। हमने सॉल्व किया इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकेंड के फॉर्म में आ गया 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5, एक्स माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू माइनस का 4, ठीक। यहाँ पर मैं इस टाइप से इंटू कर देती हूँ, मैंने 2 का कर दिया, यहाँ 3 का इंटू कर दिया, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर मैंने आपको प्रोसेस बताई है कि मल्टीप्लाई करो इक्वेशन वन में इक्वेशन सेकेंड में, इस टाइप की पूरी प्रोसेस यूज कर सकते हो। ये आ गया 4x प्लस 6y प्लस 6z इक्वल टू 10, 3x माइनस के 6y प्लस के 3z इक्वल टू माइनस का 12, ये तो कैंसल हो गया। 7x प्लस 9z इक्वल टू माइनस 2 इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गया, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी। फिर मैंने इक्वेशन क्या लिया है, फर्स्ट ले ली है और इक्वेशन नंबर थर्ड ले लिया, ठीक है। ये आ गया 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5, 3x माइनस के y माइनस के 2z इक्वल टू 3, ठीक। यहाँ पर मैं इंटू कर रही हूँ 1 का, तो यहाँ मैंने इंटू किया है 3 के फॉर्म का, तो ये तो आ गया है 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5, फिर 9x, ठीक है, माइनस के 3y माइनस के 6z इक्वल टू 9, ये दोनों कैंसल हो गया, ये फॉर्म हो जाएगा 11x, क्योंकि एडिंग करने पर ये फॉर्म बन ही जा रहा है। और फॉर्म कितना आ गया है, 3z इक्वल टू 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 होते हैं 14, ये फोर्थ हो गई। अब आप करेंगे सॉल्व इक्वेशन फोर एंड फिफ्थ, ठीक है। अब फोर्थ वाला इक्वेशन क्या दे रखी है, 7x प्लस 9z इक्वल टू माइनस का 2, 11x माइनस का 3z इक्वल टू 40, यहीं पर मैं 3 का इंटू कर देती हूँ, क्यों 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फॉर्म बना 7x प्लस 9z इक्वल टू माइनस का 2, ये हो गया 33x माइनस का 9z, अब इसका इंटू करो, ये तो हो गया 12, 3 1 3 और 4, मतलब 42 आ गया है, ये टर्म तो आपके पास कैंसल हो गई है 0, और ये आ गया 40x, ठीक है, ये आ गया 40, x की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखी है। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किस फॉर्म में कर सकते हैं, हम सब्स्टिट्यूट या तो यहाँ पे भी कर सकते हैं फिफ्थ में और फोर्थ इक्वेशन में। मैंने फिफ्थ में किया है 11 इंटू 1 माइनस 3z इक्वल टू 14, माइनस का 3z इक्वल टू 14 माइनस 11, माइनस का 3z इक्वल टू 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, z की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस 1 आ गई है, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी निकल गई है आपके पास, आराम से आप देखो,
कि x की वैल्यू भी निकल गई और y की वैल्यू भी निकल गई। अब फॉर्म आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ना, वैल्यू के कोई अरेंजमेंट में ही कुछ फॉर्म रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। अब आप कोई भी इक्वेशन में इस वैल्यू को क्या करो, सब्स्टिट्यूट कर दो। अब क्या करा आपने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करो, सेकेंड में करो, थर्ड में करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस फॉर्म में। अब मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है, एक्स की वैल्यू तो वन कर दिए, वाई एज इट इज है, जेड की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है माइनस वन इक्वल टू, वैल्यू कितनी बन गई है फाइव। टू प्लस थ्री वाई माइनस का थ्री इक्वल टू फाइव, माइनस वन प्लस थ्री वाई इक्वल टू फाइव, थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, वाई की वैल्यू कितनी निकल गई है टू निकल गई है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करके इसकी बता देती हूँ, बाकी सब पीडीएफ के थ्रू आपको भेजूंगी, आप इजीली इनको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बस सॉल्व करते वक्त आपको क्या है, अब इसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन है तो बहुत इजी, बस वैल्यू का जो अरेंजमेंट किया जाता है, क्या क्या फॉर्म में अरेंजमेंट किया जाता है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में वैल्यू को कि फर्स्ट सेकेंड को ले लो, फर्स्ट थर्ड को ले लो, सेकेंड फर्स्ट को ले लो, सेकेंड थर्ड को ले लो, कुछ भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करो, आप इजीली इनको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मैं एक वर्ड प्रॉब्लम ले लेती हूँ। देखो वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में क्या दे रखा है, अच्छे से क्वेश्चन देख लेना। इसमें दे रखा है द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज सिक्स, द सम ऑफ थ्री नंबर इज सिक्स। फिर दे रखा है इफ वी मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग किसमें बोल रखा है, थर्ड नंबर, मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय थ्री एंड एड सेकेंड। क्वेश्चन का मतलब समझ में आ जाएगा, सेकेंड नंबर टू इट वी गेट इलेवन, ठीक है। इट वी गेट कितना हो गया, ये इलेवन के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर लिखा है बाय एडिंग, क्या कर रखा है, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स, ठीक। वी गेट, आपके पास फॉर्म में दे रखा हुआ है डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, ठीक। फाइंड द नंबर, अब फाइंड द नंबर क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, द सम ऑफ थ्री नंबर इज दे रखा है सिक्स। अब कोई भी तीन नंबर है तो आप एक्स वाई जेड एज्यूम कर लो, इसका मतलब ऐसे ही होगा लेट द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक, नंबर्स एक्स वाई एंड जेड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छे से देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ थ्री नंबर इज सिक्स, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सिक्स, आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल गई। सेकेंड फॉर्म में देखा इफ मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय थ्री, थर्ड नंबर में थ्री का मल्टीप्लाई करा और सेकेंड नंबर को एड करा, क्या करा है, सेकेंड नंबर को एड करना है और थ्री का मल्टीप्लाई थर्ड में करना है, तो किसके इक्वल आएगा, इलेवन का। तो ये आपकी कौन सा क्वेश्चन बन गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गई है। फिर इसके बाद यहाँ पर दे रखा हुआ है बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल द सेकेंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड नंबर को एड करा तो वो सेकेंड नंबर का कितना हो गया, डबल हो गया, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आपके पास रिप्रेजेंट आराम से हो गई है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स माइनस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर थर्ड। आपको इक्वेशन बनाते आ गई है, आप इजीली इन वैल्यू को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने सबसे पहले सॉल्व किया है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्म को, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सिक्स हो गया है, ठीक है। ये हो गया y प्लस थ्री जेड इक्वल टू इलेवन हो गया, माइनस 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 ये कैंसल, x माइनस टू जेड इक्वल टू माइनस का फाइव, इक्वेशन नंबर कौन सी बन गई है, फोर्थ बन गई है। अब आप इसमें क्या सॉल्व कर सकते हो, वैल्यू का फॉर्म अरेंजमेंट में क्या कर सकते हो, तो आप यहाँ से देखिए वैल्यू को आप इजीली निकाल सकते हो, फॉर्म में अरेंजमेंट कर सकते हो। अब आपने क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखा y से y कैंसल, x इक्वल टू टू जेड इक्वल टू माइनस फाइव का फॉर्म रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो
वैल्यू की कंडीशन किस किस के इक्वल दे रखी हुई है। अब यहाँ पर जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ये इक्वेशन बनने के बाद अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करो आप टू का, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई है, 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 12 का फॉर्म रिप्रेजेंट हो गया। किसका मल्टीप्लाई करा है मैंने, वैल्यू के फॉर्म में 2 का मल्टीप्लाई करा है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू का मैं क्या क्या अरेंजमेंट करूंगी, ये मेरा हो गया है फिफ्थ का पार्ट रिप्रेजेंट हो रहा है। अब मैं थर्ड और फिफ्थ को लूंगी, किस किस को लिया मैंने, थर्ड और फिफ्थ की कैटेगरी को लिया है। तो थर्ड वाली इक्वेशन सॉल्व द थर्ड एंड फिफ्थ इक्वेशन, ये हो गया x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0, 2x माइनस 2y प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू, वैल्यू के फॉर्म में कितना आ गया है 12, ये तो कैंसल हो गया, 3x प्लस 3z इक्वल टू 12। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू इस टाइप से बन सकती है, x प्लस z इक्वल टू 4। अब यहाँ पर पुट कर दो, ये आ गया x प्लस z इक्वल टू 4, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसल, माइनस का 3z इक्वल टू माइनस का 9, z की वैल्यू कितनी निकल गई है, 3 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, z की वैल्यू कितनी निकल गई है, 3 के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखी है। अब ये वैल्यू आपके पास इजीली बन गई है। अब आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि 3 नंबर का सम 6 के इक्वल है, फिर थर्ड को डबल करा, किसको डबल करा, थर्ड को डबल किया और सेकंड के साथ ऐड किया तो वो 11 के इक्वल आ गया। फिर फर्स्ट और थर्ड को यदि मैं ऐड कर रही हूँ, किस किस को ऐड कर रही हूँ, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर रही हूँ, तो वो किसके डबल हो रहा है, सेकंड के डबल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब आपके पास जब वैल्यू जेड की निकल गई है तो आप क्या कर सकते हो कि इस वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो गया वाई प्लस 3 × 3 = 11, y प्लस 9 = 11, y की वैल्यू कितनी निकल गई है, 2 निकल गई है। अब आप फर्स्ट में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया, x प्लस y प्लस z इक्वल टू 6 हो गया, x की वैल्यू कितनी निकल रही है पता नहीं, y की 2 है, z की कितनी है 3 = 6, x प्लस 5 = 6, x की वैल्यू निकल गई 1। तो आप देखो यदि वन प्रॉब्लम आपके समझ में आ जाएगी तो आप क्या कर सकते हो, इन वैल्यू को इजीली सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम रिप्रेजेंट नहीं होगी। मतलब क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका मतलब समझना है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन आपको मैं बता देती हूँ, बाकी मैं आपको किसके थ्रू भेजूंगी, PDF के थ्रू इन क्वेश्चनों को भेज दूंगी, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं है, वन प्रॉब्लम टफ नहीं है। हाँ, अब इसमें एक चीज आ सकती है, केस स्टडी वाला मटेरियल इसमें मिल सकता है, क्योंकि इसमें जो इक्वेशन का फॉर्म आपके पास रिप्रेजेंट हो रहा है ना, वो सब केस स्टडी से रिलेटेड हो सकता है। जैसे अभी प्रेजेंट में कोरोना चल रहा है, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आ सकता है, या कोई स्टूडेंट जब डिस्कस करता है तो उनके फॉर्म के में रिप्रेजेंट हो सकती है केस स्टडी की कैटेगरी, ये सारे फॉर्म यहाँ पर दे रखे हुए हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देती हूँ, अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन का मतलब भी समझ लीजिए, फॉर्म आ जाएगा इसके अंदर, दे रखा है इसके अंदर द सम ऑफ ऑल डिजिट, क्वेश्चन में अच्छे से देखना, सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ अ 3-digit नंबर, कितने डिजिट नंबर बोल रहे हैं, 3-digit नंबर इज 13 और एडिंग, ठीक है, ऑन एडिंग 99 टू द नंबर द डिजिट ऑफ द नंबर गेट्स, क्या आ गया है, रिवर्स, रिवर्स्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, इफ 10th डिजिट इज ट्वाइस ऑफ द 100 ठीक है 100 डिजिट पे लिखा है फाइंड द नंबर। अब इसका नाम अच्छे समझ लीजिए, क्या दे रखा है आपके पास, आपने दो डिजिट तक तो
टेंथ में भी पढ़ रखे हैं, नाइन्थ में भी पढ़ रखे हैं, पर इसमें तीन डिजिट है, तो आप इस टाइप से लिख सकते हो कि लेट हंड्रेड एंड, ठीक है, कौन सा है हंड्रेड एंड टेंथ एंड यूनिट प्लेस या वंथ प्लेस, जो भी आप यूज कर सकते हो। डिजिट, ये डिजिट है ना, बी कितना हो गया है एक्स वाई जेड, ये फॉर्म रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में दे रखा है। तो नंबर कितने बनेंगे इसके अंदर, तो नंबर इसमें बनेंगे 100x प्लस 10y प्लस z, ठीक है। अब उसने बोल रखा है कि नंबर को यदि मैं रिवर्सिंग कर देती हूँ, उल्टा कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा 100 डेज, ये 100 तो इधर शिफ्ट हो जाएगा, 10y एज इट इज, और ये x के फॉर्म को रिप्रेजेंट होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम 13 के इक्वल है, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो गया, 13 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है कि यदि 99 को एड करे तो डिजिट नंबर रिवर्सिंग हो जाएंगे, इफ 10 डिजिट इज ट्वाइस द 100 डिजिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100x प्लस 10y प्लस जेड, इसमें रिवर्सिंग ऑर्डर में यदि 99 को एड करा तो वो पहले वाले फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये सेट, ये जो आपका रिवर्सिंग कर रखा है उसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब इससे आपकी इक्वेशन बन जाएगी, आप चाहो तो उधर ले जाओ, तो ये आ गया 99x माइनस 99z प्लस 99 इक्वल टू जीरो, 99 कॉमन निकाल के जीरो कर दो, x माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू जीरो, आपकी एक इक्वेशन ये बन गई है, ठीक है। अगला फॉर्म में दे रखा हुआ है कि टेंथ प्लेस ट्वाइस होना चाहिए 100 प्लेस के फॉर्म में, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना आ गया है, 2x के फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रखा है, तो 2x माइनस y इक्वल टू कितना हो गया, 0 के पार्ट को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब आप इसको आराम से इजीली वैल्यू को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इधर देख लीजिए, आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड हो गई है। अब आपने फर्स्ट एंड थर्ड को लिया है, ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 13 हो गया, x माइनस जेड इक्वल टू माइनस 1 हो गया, ये कैंसल हो गया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब इस y की वैल्यू किसके इक्वल है, 2x के इक्वल ही तो है, तो 2x प्लस 2x इक्वल टू 12 हो गया, x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 3 के पार्ट को निकल जाएगी। यदि x 3 है तो y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 6 निकल जाएगी। यदि y की 6 निकली है तो आप z की निकाल सकते हो, तो ये आ गया 3 माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 4 इक्वल टू जेड, जेड की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 4 के फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब इसके पास जो आपके नंबर दे रखा हुआ है वो नंबर कैसे बनेगा, इसके अंदर 100 आ गया, 100x प्लस 10, ठीक है, 100x प्लस 10y प्लस z, 100 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 300 प्लस 60 प्लस 4, सॉल्व करेंगे तो 364 नंबर रिप्रेजेंट होगा। अब देखा जाए ना, तो ये क्वेश्चन आपके पास इजीली यहाँ पर रिप्रेजेंट हो सकता है। अब ये हो गई आपकी वर्ड प्रॉब्लम, मैंने एक तो डिजिट वाले क्वेश्चन बता दिए, ये आपके तीन इक्वेशन के पार्ट में भी बन सकते हैं, दो इक्वेशन के पार्ट में भी बन सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास इसमें और कुछ भी फॉर्म रिप्रेजेंट नहीं होता, सबसे छोटा चैप्टर है ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का फॉर्म। अब इसका मैं पीडीएफ और केस स्टडी आपको भेज दूंगी, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नया चैप्टर करवाऊंगी।